पार करने से पहले मैंने पूछ लिया था कि क्या मैं यहाँ सड़क क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं, पता चला किसी पुलिस वाले ने धर लिया पकड़ के। भाई तभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा, मुझे पता चल गया गूगल मैप्स, बाबा गूगल ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी है, ये गलियाँ मुझे कहीं बाबा जी के पास ले जाएंगी। गूगल के पास नहीं भाई, बाबा मतलब गुरुद्वारे वाले बाबा जी के पास। ये सब समझ में आ रहा था, ये मैं जानता हूँ यहाँ की भाषा। Google Maps. इसके हिसाब से मैं सही जा रहा हूँ, गुरुद्वारे के आसपास कहीं हूँ। गुरु नानक दरबार तत् खालसा दीवान साहिब, ओरा जी विस्मा तत् खालसा, गुरु नानक दरबार तत् खालसा दीवान फिलंगोर। गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो रुमाल बांध लेना चाहिए, सर ढकना ज़रूरी है। चलो जी भाई साहब रुमाल ढक लिए और अब जाना है अंदर जोड़ा घर, यानी जहाँ पर जूते उतारे जाते हैं। अब अगर आपने गुरुद्वारा कभी नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लो, ताकि आपको पता चले क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं गुरुद्वारे के। ये जूते यहीं उतार दें, मतलब कोई टोकन वगैरह नहीं देता? नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऐसे ही कोई उठा के दे ले जाएगा? नहीं 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 कोई बात नहीं, सभी के पड़े होते हैं। आप कहाँ से? मैं पंजाब से। ओह अच्छा, इंडिया। हाँ मैं दिल्ली से। दिल्ली से अभी आए आप? बस घूमने के लिए आया था यहाँ, सोचा गुरुद्वारा भी देख लूँ। थैंक यू। दरबार साहिब, हाँ जी मत्था टेकने के लिए। हाँ जी मंदिर वाला। आप क्या यहाँ पुराने? हाँ जी मेरे को 1.5 साल चला इधर में। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है इस इलाके का? हाँ जी ये मलेशिया का सबसे बड़ा, कह सकता नहीं, गूगल पर मैं पढ़ रहा था बोलते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ऐसा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहब जी है। अच्छा इधर आप ऊपर जाएंगे ना दरबार साहब, हाँ जी वो देखेंगे आप, जितनी स्पेस है ना वो आपको खुद देख के पता चल जाएगा। अच्छा ऊपर, हाँ जी ऊपर जाएंगे से निकल के बैक साइड। अच्छा यहाँ लंगर हॉल थोड़ा अलग किस्म का है, मतलब यहाँ पे ऊपर बैठ के खाते हैं? हाँ जी ये मतलब एकदम ऐसे आपको पता ही अब्रॉड में थोड़ा सा ऐसे ही चलता है, जैसे अपने को है ना कि लाइन में बैठ के पंगत में बैठ सकते हैं। हाँ जी तो इधर में पंगत भी लगी हुई है, वैसे इधर में टाट लगा हुआ है। अच्छा बट ज़्यादातर ऐसे इधर के लोग थोड़ा सा, वैसे तो जो हमारी मर्यादा है वो तो आपको पता है कि वो तो बैठ नीचे बैठ के ही। ठीक बात है। तो मॉर्निंग टाइम आपको ये मिलेगा कि सुबह चाय पराठे हो गए, बाकी तो ब्रेड होते हैं। हाँ जी तो बाद में लंगर लगता है, वो दोपहर तक चलता है, 3 बजे में चाय लग जाती है। अच्छा जी तब लंगर नहीं होता। अच्छा जी तो फिर शाम को 7:30 बजे फिर चलता है। अच्छा हाँ जी। और यहाँ पर कुछ ठहरने की व्यवस्था भी होगी, कोई रुक सकते हैं? ठहरने वैसे ही कि ऑफिस है, मैनेजर साहब अंदर है, आप उनसे पूछ लेना आपको गाइड कर देंगे। अच्छा ठीक है। वैसे रहते हैं लोग यहाँ, ठहरते हैं? जैसे आते हैं लड़के 1 नाइट के लिए, जैसे वो तो फिर इधर में रुक जाते हैं ना। हाँ हॉल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ऐसे आप रुक सकते हैं। अच्छा बड़ी अच्छी बात है। कोई और भी गुरुद्वारा है कुआलालंपुर में जहाँ रुक सकते हैं? गुरुद्वारा साहब काफ़ी हैं वैसे तो कुआलालंपुर में, बट रुकने वाला मतलब जैसे यही है मोस्ट पीपल इधर में रुकते हैं वैसे, यहीं रुकते हैं। हाँ जी अच्छा है, उधर में भी रुकने देते हैं, बट मैं आपको ऐसे बताऊँ कि मैं वैसे ज़्यादा कभी गया नहीं तो मेरे को उनके बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और भी कहीं हैं मलेशिया में गुरुद्वारे? हाँ जी हाँ जी, अलग अलग स्टेट में, कुआलालंपुर से बाहर भी है गुरुद्वारे। अच्छा जी मलाका में बहुत अच्छा बढ़िया बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अच्छा वो है बीच के पास है। अरे वाह अच्छा। हाँ जी और वहाँ ठहर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर। अच्छा आप जाएंगे तो कोई नो प्रॉब्लम, 1 नाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। तो गुरुद्वारा साहब पनांग में भी है। अच्छा इधर कुचिंग है, उधर में भी है। आप वैसे पंजाब में कहाँ से? मैं तलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। हाँ पता है तलवाड़ा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ऊना हिमाचल के पास। हाँ बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। हाँ जी हाँ जी, मेरे चाचा जी हैं तलवाड़ा में रहते हैं। तलवाड़ा में वो कोई बिजली वाला कुछ है ना? हाँ जी जी उधर BBMB। हाँ हाँ उसी में है, उसी कॉलोनी में है। ओके ओके हाँ उधर सेक्टर है ना, 1, 2, 3 सेक्टर है। अब ये पता नहीं बट ये पता है कि वहीं रहते हैं तो प्लीज़ रिकोगनाइज योर फुटवेयर बिफोर वेयरिंग देम, थैंक यू। अपने जूते पहन के जाएँ, किसी और को जूते नहीं पहन के जाने, ये लिखा था वहाँ पर सभ्यता से। गुरुद्वारे में जब अंदर जाते हैं दरबार साहिब में खासतौर पे, तो पांव धो के जाते हैं,
पांव और हाथ। ये मेरे पीछे दरबार साहब है, यहाँ मत्था टेकते हैं आकर। दरबार साहब मतलब यहाँ पूजा पाठ और जो भी जिस तरीके इबादत की जगह है, वर्शिप प्लेस। खाना खाने से पहले अगर हाथ धो लें तो अच्छा रहता है। मैं हूँ इस वक्त गुरुद्वारे में, लंगर छकना है तो हाथ धो रहा हूँ। ये है लंगर हॉल। गुरुद्वारे के लंगर हॉल में आ चुका हूँ। ये प्रसादा, रोटी को बोलते हैं प्रसादा, और साथ में है रायता, काबुली चने, छोले, मीठे चावल, ये जो ऑरेंज वाले हैं, और ये हैं वाइट वाले नॉर्मल चावल। और मैं लंगर छक रहा हूँ। यहाँ पे खाना खाते नहीं है, बोलते लंगर छकते हैं, और मैं लंगर छक रहा हूँ। गुरुद्वारे का एक रूल है, एक नियम है कि थाली में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लें। मैंने अभी जितना खाना था उतना ले लिया, मुझे भूख और लग रही थी तो मैंने अभी और लिया है। तो ख्याल हमेशा रखें कि थाली साफ़ सुथरी हो, झूठा नहीं छोड़ना है। और उसके बाद थाली को उठा के, मतलब जो झूठी थाली है उसको लेके धोने की व्यवस्था होती है, खुद धोना है उसको, सेल्फ सर्विस है। अगर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो गुरुद्वारा अगर आपको सही लगता है तो आप गुरुद्वारे में आ सकते हैं। गुरुद्वारे में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 9 बज रहे हैं यहाँ पर, आज दूसरा दिन है यहाँ इस वक्त गुरुद्वारे में। आज कुछ खास दिन है, अखंड पाठ हो रहा है, और ये जो चीज़ है एक मलेशियन ब्रेकफास्ट है, इसको बोलते हैं नासी लमा। इज इट ओके? नासी लमा, NASILMA, हाउ डू यू स्पेल इट, द प्रोनाउंस इट? NASILMA। ओ, नासी लमा। ये एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन होता है ये जो चीज़ है, और ये जो चीज़, ये व्हाट इज़ बीन्स? यस, बीन्स। बट क्योंकि मैं अभी गुरुद्वारे में हूँ तो इस वजह से ये नासी लमा यहाँ वेजिटेरियन है। और ये सूजी का हलवा है, इसको यहाँ बोलते हैं सूजी गप्पा। इज इट ओके? तो ये तो खैर खीर है ही, मतलब सेवैयाँ हैं एक्चुअली, और ये नासी लमा, ये चाय और ये बिस्किट। और ये मेरे दो दोस्त, पीण का हिंदी स्पीक बट यू अंडरस्टैंड। बहुत ही देशविंदर, दोनों मलेशियन हैं, मलेशियन सिख हैं, और बड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी आज का दिन प्लान करने में। मुझे जाना है कैमरून हाईलैंड, कल भी जाना था बट कल हो नहीं पाया क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाई थी। उम्मीद है आज मैं इनके बताए गए रास्ते पर चलूँगा तो शायद पहुँच जाऊँगा एट लास्ट। तो हूँ छकेंगे वाहेगुरु जी का लंगर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये वाकई बहुत टेस्टी है, ये टमाटर और प्याज का कुछ है, मतलब अब इसको क्या कहेंगे पता नहीं, बट टमाटर और प्याज का कुछ मिक्सचर है। इसको बोलते हैं संबल, बट ये गुरुद्वारे में खा रहा हूँ इसलिए वेजिटेरियन है, अदरवाइज इसमें कुछ मिक्स्ड होता है जो कि फिश का बनता है ये। और ये जो होती हैं ये भी ड्राइड फिश होती हैं, बट गुरुद्वारे में इसलिए वेजिटेरियन है, बट खाने में बहुत अच्छा है, टेस्टी है। ये जो राइस हैं, ये जो चावल हैं, ये नारियल कोकोनट मिल्क से बने हुए हैं। मैंने पहली बार चावल के साथ में भुनी हुई मूँगफलियाँ खाई हैं जना, वाकई बहुत अच्छी है। सेवैयाँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, खीर, और वाकई बहुत अच्छी है। सरदार,
हाँ के जो सिटी पुलिस के जो चीफ हैं वो भी एक सरदार हैं, और दोनों से जो बात हुई उससे पता ये चला कि दोनों का परिवार करीब 2-3 जनरेशन्स पहले यहाँ पर आके सेटल हो गया था। ऐसे ही पंजाब से लोग यहाँ पर आके बसे हैं, और पंजाब के अलावा तमिलनाडु से यहाँ पर आए। जो पंजाब से सरदार आए थे वो ब्रिटिश आर्मी के साथ आए थे, तो वो ब्रिटिश आर्मी मतलब आर्मी सिक्योरिटी इससे जुड़े हुए काम उन्होंने यहाँ पर किए, जबकि तमिल उन्होंने क्या किया तो तमिलों से कुछ और काम, तमिल कुछ और काम करते थे। हाँ खास बात ये है मलेशिया की, सॉरी कुआलालंपुर की, कि ये बहुत कॉस्मोपोलिटन है। यहाँ पर चाइनीज़ हैं, यहाँ पर मलय हैं, उसके अलावा चाइनीज़ इंडियंस मतलब तमिल और पंजाबी, और चाइनीज़ मलय एंड इंडियन, बेसिकली ये 3 कम्युनिटीज़ हैं। गुरदिश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई रिसेंट अभी। एक्चुअली किसी भी देश की जो इकॉनमी है वो कितनी उस देश के लोगों के लिए फ्रेंडली है, एक इकॉनमी को एक देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो उसके सिटीजन्स के लिए फ्रेंडली होना ही चाहिए। तो हम लोग अभी इकॉनमी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर टैक्सेशन मतलब GST यहाँ पर है। मेरा सवाल इनसे ये था कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे मलेशिया में तो ये कितना फ्रेंडली है ये देश, तो उन्होंने कहा अगर आपके पास में पैसा है तो आप एनी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म यहाँ पर नहीं है, आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। टैक्सेशन यहाँ पर एक ही तरह का है, GST बोलते हैं। मैंने बताया कि GST तो हमारे यहाँ भी है इंडिया में, जुलाई 2017 से शुरू हो गया है इंडिया में, बट क्योंकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी नज़र इंडिया पर भी रहती है, मतलब ओरिजिन इनका इंडिया है, तो उन्होंने बताया कि GST इंडिया में बड़ा कन्फ्यूजिंग है, 6% 12%, इट्स लाइक 18-24 अलग अलग परसेंट पे है सारा, जबकि यहाँ मलेशिया में GST सिर्फ 6% एक ही है, सिर्फ एक तरह का टैक्स है GST, और उसमें भी जो एसेंशियल चीज़ें हैं लाइक चावल दवा इवन द मेडिसिन। अंडे मछली चिकन जो कि यहाँ का दाल इज़ नॉट टैक्स, आटा दाल चावल ये सब चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं है, ये सब चीज़ें बिना टैक्स के हैं, उस पर कोई GST नहीं लगता है, और जिन पर लगता है वो सिर्फ 6% है। अच्छी चीज़ है, उम्मीद है इस तरह का सिस्टम हमारे देश में भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ओके जनाब एक बड़ी अच्छी चीज़ पता चली यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इनसे बात करके। हम लोग मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए और बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। बात ये पता चली कि हमारे जनाब शाहरुख खान बड़े पॉपुलर हैं यहाँ पर, और उनकी पॉपुलैरिटी का कारण बेशक यहाँ पर इंडियंस बहुत सारे हैं, और उससे बड़ी खास बात ये पता चली कि देश में निकला होगा चांद, और 1-2 जो इस तरह के सोप ऑपराज हैं, जो इस तरह के जो सीरियल्स हैं वो बड़े फेमस हैं यहाँ पर, क्योंकि और फेमस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडियन कम्युनिटी में, मतलब मलय चाइनीज़ इंडियन सभी मिलकर देश में निकला होगा चांद, और इस जैसे जो सीरियल्स हैं वो देखते हैं, हालांकि ज़रूर उसके नीचे सबटाइटल्स रहते हैं। चलिए मगर अच्छी बात ये है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहाने लोग कम से कम इंडियन कल्चर को देश के बाहर भी देख लेते हैं। 10:45 हो गए हैं और मैं इस वक्त गुरुद्वारे से बाहर निकल गया हूँ, और मलेशिया में कुआलालंपुर के ट्रिप में ये मेरा पहला संडे मंडे ट्यूसडे वैसे 4th दिन है आज, 3 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 दिन में मैंने थोड़ा बहुत कुआलालंपुर देखा, और वो है सामने पेटनास टावर, आइकन मलेशिया का कुआलालंपुर का, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ जनाब गुरदेश के साथ में, ये मुझे अपने घर के पास में एक हाईवे पर छोड़ेंगे, हाईवे के पास में एक पेट्रोल पंप या उसके आसपास कहीं, जहाँ से मैं लिफ्ट लूँगा आगे जाने के लिए। टारगेट है मेरा कैमरून हाईलैंड, देखता हूँ आज पहुँच पाता हूँ या नहीं, हालांकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, कितना हाउ मच इज इट, 3 hours 3-4 घंटे का रास्ता है, देखते हैं कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में लिफ्ट मिलती है, कहाँ तक मिलती है। मेरा ट्रिप आज का शुरू हो गया है, और आज मेरा पहला दिन है कुआलालंपुर से बाहर जाने का। ये गूगल देवी जी हमको सारा गाइड कर रही हैं, तो ये हर जगह पर मौजूद हैं, हर जगह पर ओमनी प्रेजेंट हैं गूगल। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर,
here to stop my face to faces, but okay. Okay, 15 ringgits? No, no, this is that's the balance I have. Okay. Yeah. I'll drop it here. All right. मैं आपको बताना ये चाह रहा था, गुरदेश ने अभी हाथ में जो एक डिवाइस उठाया था, ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका था पे करने का, टोल पे करने का, मतलब आपको लाइन नहीं लगती है, इस वजह से आपको वेट नहीं करना पड़ता है. अच्छा सिस्टम है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी मैंने सुना है कि जल्दी होने वाला है. ओके, इट्स नॉट इलीगल टू हिचहाइक आई गेस. नो नो, इट्स नॉट इलीगल. ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. या गुरदेश ने मुझे यहाँ उतार दिया है और आज मैं हिचहाइक शुरू कर रहा हूँ मलेशिया में. ये है पीछे टोल प्लाजा और मेरे पीछे है पेट्रोल स्टेशन, जिसको यहाँ बोलते हैं स्टेशन पेट्रोल. और हिचहाइक शुरू करते हुए मुझे याद आ रहा है थाईलैंड. मुझे उम्मीद है कि मेरा हिचहाइक का एक्सपीरियंस मलेशिया में भी वैसा ही होगा जैसे थाईलैंड में था. और आपको ये सीरीज़ भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी थाईलैंड की आई थी.